We welcome you to Consumer Times News. We are taking health-related issues in association with Dignity Care India, a trust creating awareness about good health and involved in helping and serving people in health-related issues, and bring you health-related services and products at affordable price and serve the deprived section of society. If you think our effort is in the interest of large number of persons and want to know more about Dignity Care India, please visit our website www.dignitycareindia.com, and do not forget to like, share and subscribe our videos to motivate us to bring more videos. Satgur ki seva safal hai, je ko kare jitna aaye. Satgur ki seva safal hai, को करे जितना आए. सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे जितना आए. सतगुरु की सेवा सफल है, को करे जितना आए. मन चिंदिया फल पावना, मन चिंदिया फल पावना, हो मैं जो जाए. सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे जितना आए. सतगुरु की सेवा सफल है, को करे जितना आए. बंधन तोड़े मुक्त होए, सच्चे रंग समाए. बंधन तोड़े मुक्त होए, सच्चे सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे जितना आए. सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे जितना आए. सतगुरु की सेवा
दिल बलहार जाओ। गणमान्य अतिथिगण को संस्था की तरफ से उनका स्वागत में दो शब्द कहें। डॉक्टर अरुण कुमार जी प्लीज। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है कि आप अपनी अपना स्थान ग्रहण करें। मैं डॉक्टर बलजीत कौर जी, मिस्टर सोशल सिक्योरिटी एंड वुमन वेलफेयर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकाला और हमारे को आशीर्वाद देने आए हैं। अरुण बत्रा जी, संदीप कंबोज जी, जगदीप कंबोज जी, नरेंद्र पाल सिंह जी और जो भी गणमान्य अतिथि आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल के और डिग्निटी इंडिया को आशीर्वाद देने आए हैं। आपको थोड़ा सा मैं डिग्निटी इंडिया के बारे में बता दूं। सन 2010 में हमने ये देख तो हम पहले से रहे थे, हमने एक विचार बनाया कि हमें कुछ ऐसा काम करना है कि अभी तक हमने समाज से लिया है, अभी हमें समाज को कुछ देना है। तो हमने एक संस्था का गठन किया, उसका नाम डिग्निटी रेस्टोरेशन एंड ग्रीवेंस सेटलमेंट एसोसिएशन रखा। उस संस्था का उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। हमने ये देखा कि जो लोग की शुरुआत कहाँ से करें, कहीं से तो कुछ ना कुछ शुरू करना होता है। हमने कंज्यूमर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया। हम लोगों की कंज्यूमर कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने का काम कर रहे हैं और जो उनकी शिकायतें हैं उनको हम किसी ना किसी तरीके से, चाहे कोर्ट के द्वारा, मीडिएशन के द्वारा, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसी आयाम को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और आज हमारी संस्था के साथ तकरीबन हिंदुस्तान की 200-250 ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी हुई हैं और ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ती चली जा रही हैं। हम पैन इंडिया बेसिस पर काम कर रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि जागरूकता फैलाना। हम उपभोक्ता के लिए, नशाबंदी के लिए, जहां हमें मौका मिलता है उसके लिए हम जागरूकता फैलाते हैं और फैला रहे हैं। और क्योंकि आज हमारे पास कानून है, व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। हमें किसी ना किसी तरीके से उनको, लोगों को बताना है कि उनके अधिकार क्या है और उनको किस तरीके से चलना है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। दिल्ली में हमें दिल्ली सरकार का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पंजाब सरकार से भी हमें सहयोग मिलेगा। इन सब शब्दों के साथ मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई हमने शुगर ऐड नहीं करी। अब हम भूखे की जगह जो भी हमारे सम्मानित अतिथि घर आए हैं उनको देंगे। मैं चेयरमैन अरुण जी से उपराला संस्था वालों साढ़े विच कारवाद ग्रुप वालों तैयार किया गया है, वो पेंट किया जा रहा है। साढ़े सत्तार तो भी सत्तार आता कि उसके लिए आ जान, क्योंकि इसके बाद उन्हें संबोधन होना है। दिनेश जी हेल्प इज इंडिया, इसके बाद अनमोल कुकनेजा जी भी कितना राजस्थान पोर्टर। एक बार उनकी अनुपस्थिति के लिए बहुत जोरदार तालियां हमारे बहुत ही माननीय सत्कारियों जलालाबाद के एमएलए। थैंक यू जी सारे सत्कार मेहमानों को देखिए कि सब। तो पहला मैं कार्यालय मिनिस्टर ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मैडम जी का मैं स्वागत करता कि वेरी रिस्पेक्टिव एमएलए साहब, प्रशासनिक जितने भी अधिकारी बटे इतने उपस्थित है गए सारा का मैं स्वागत करता मेरे वालों। तो मैं एल्डर हेल्पलाइन बारे गल करना चाहूँगा। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी वालों एक एल्डर हेल्पलाइन शुरू की गई है जी। हेल्पलाइन सवेरे 8 बजे तो लैके शामी 8 बजे तक चलती हैगी है। ये आप पूरे पंजाब जिन्हें भी एल्डरली है उन्होंने हेल्प करते हैं।
पिछले साल साढ़े को इस हेल्पलाइन के घट तो घट 60,000 फोन आई जिसे अपने घट तो घट 5,000 बुजुर्गों पेंशन लवाई कुछ बेघर घर को बाहर जो बुजुर्ग उन्होंने आप रेस्क्यू करके वोल्टेज होम शिफ्ट कराया। तो कई बार आप देखते हैं अच्छा जिम्मे ज्वाइंट फैमिली में बुजुर्गों नाल थोड़ा जहा दुर्व्यवहार होता है तो साढ़े कोल्स आ रही है कि बुजुर्गों गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो साड़ी हर टीम हर जिले में उपस्थित हैगी है जो भी कॉल आती है साड़ी टीम एक घंटे के अंदर बुजुर्ग को पहुँच जाती है तो उन्होंने काउंसलिंग राही आप हेल्प करते हैं या आप सीनियर पुलिस अधिकारी वालों हेल्प लैके उन्होंने काउंसलिंग कराते हैं। जे जो भी गल नहीं बनती है तो आप कानूनी जी लीगल एडवाइस है उस बारे भी उन्होंने हेल्प करते हैं। मैं मैडम जी को कहना चाहवागा मैम साड़ी हेल्पलाइन पूरे पंजाब में इस वेले नंबर वन पोजिशन से चल रही है क्योंकि जोड़ा ये प्रोजेक्ट हैगा ये पूरे ऑल ओवर इंडिया से चल रहा है। तो थोड़ा मैं ये गल दसना चाहवागा मैडम असी इस बार नंबर वन पोजिशन से आए हैं तो थोड़ी हेल्प असी अगे भी चाहवागे जिनकी सपोर्ट साड़ी हेल्पलाइन बारे की है। तो इसी शब्दों मैं क्योंकि सारे को टाइम घट है तो इस संस्था निष्काम संस्था की मैडम भावना मैडम के प्रेजिडेंट सर का मैं दिलों धन्यवाद करना चाहवागा जिन्होंने सानू इतने सद्या बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच। 7 नंबर मिलाओगे साड़ी हेल्पलाइन से कॉल लैंड करेगी बुजुर्गों की किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी किसी भी चीज़ लिए आप उन्होंने कोई भी सपोर्ट चाहिए। मान लो किसी बुजुर्ग को हॉस्पिटल जाना हो पेंशन ऑफिस जाना हो किसी भी नाल सपोर्ट की लोड़ हो हर वे उन्होंने हेल्प लिए तैयार है। तो मैं चाहवागा सारे वालों के आप जो जिम्मा चुकया है सारे बढ़ चढ़ के फायदे में भाग लीए। तो आखिरी शब्दों में मैं दोबारा फिर थैंक यू कहना चाहवागा तो मैडम जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्ना कीमती समय करके साथ है थैंक यू सो मच। बड़ा ही कॉमन सब्जेक्ट है और बहुत ही घट समय दसना चाहवागा जल जल के बारे ऊपर चर्चा है। जल ही जीवन है हम सब लोग जो पानी पी रहे हैं वास्तविक तौर पर वो हमें जीवन दे रहा है या न दे रहा है इसके ऊपर डिस्कस करनी लाइफ के ऊपर बहुत जरूरी है। आप वोमेन जो अभी पंजाब में एक्टिव हुई है वो इस विषय के ऊपर चर्चा के लिए हमें समय दे। कैनन वाटर क्या है इंडिया से बहुत लोगों को बुलाया है तो सब लोग उनकी बातें सुने क्योंकि ये जो लोग भी आ रहे हैं सब आपके लिए आ रहे हैं। फोटो हम मैडम की स्टेज पे ले जाके सबके साथ लोग फोटो करवाए। कैनन वाटर एक जैपनीज मेडिकल डिवाइस है जो हमें आने वाली बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करती है। कैनन वाटर जापान से जो बीमारियां हमें आने वाले समय में आ रही हैं सर हम उसको जीवन में पानी से भी ठीक कर सकते हैं। इस विषय को समझने के लिए समय भी चाहिए और स्थिति भी चाहिए सर उस बीमारी की हाँ हमें समझ सके। इसका एक प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन है जो अभी तो संभव नहीं है पर मैं भावना मैम का अति शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस स्टेज पर आने के लिए हमें समय दिया और मैं आप सबको कुछ ब्रोशर्स देने की इच्छा रखता हूँ आप उसको स्टडी कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसके बारे में आगे जानकारी चाहिए तो आप लोगों को आगे आना पड़ेगा क्योंकि हेल्थ हम अपनी दवाइयों से भी ठीक कर सकते हैं लेकिन भगवान ने हमें जो दिया सृष्टि ने दिया पानी उस पानी के ऊपर विषय हम सबको पता है जल ही जीवन है पर जल के ऊपर चर्चा कोई नहीं करना चाहता। 70% को आप अवॉइड करके 30% से कोई काम नहीं कर सकते हैं सर। आप सबका धन्यवाद सर आपको एक एक ब्रोशर सुरेश जी प्रोवाइड करेंगे तो प्लीज़ आप इसको अगर लगे तो प्लीज़ इसका स्टडी कीजिए थैंक यू। सभी अतिथियों का मैं बहुत सम्मान करती हूँ सम्मानित करती हूँ और इतना ही कहूँगी कितनी सीता गंगा माँ की गोदी में सो जाती है कितनी गीता रेल पटरियों पर हो जाती है कौन कुएं से कूद गई कौन गिरी मीनारों से कौन गिरेगा इनकी संख्या रोज लगे अखबारों से।
एक ही अरदास है। पहले मैं आप ईश्वर से कहती थी कि हे ईश्वर मुझे माता पिता का प्यार अच्छा मिले, फिर मैं कहती थी मुझे पति अच्छा मिले, फिर कहती थी बच्चे अच्छे मिले। जब से समाज सेवा में आई हूँ कि हे ईश्वर इतनी सारी आत्माओं के साथ आज मेरी तो अरदास पूरी करना कि जब मेरे प्राण निकले तो मैं 2-3-4 करोड़ लोगों को रोजगार देके बढ़ूं, रोजगार देके बढ़ूं। यही एक इच्छा है, यही एक वो है अपनी बहनों के लिए। आप जो भी ये देख रहे हैं ये गमले, ये हमारे छोटे छोटे स्टॉल, अभी हम मैडम को दिखाएंगे भी। और जो ये तीनों का जूस है सभी को कर दिया गया, ये विदाउट केमिकल है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है किसी तरह का। हमारी महिलाएं आज सक्षम हो इसी के लिए हम बलजीत मैडम का आशीर्वाद भी चाहते हैं। हमारे एक जिला, सिर्फ एक जिला, मेरा सभी MLA को, मैडम को और यहाँ पे सभी लोगों को बताने का एक ही मकसद था कि हम सिर्फ एक जिला कामयाब करके दिखा दें, पूरा हिंदुस्तान अपने आप कामयाब हो जाएगा। हमारा एक ही उद्देश्य है कि वृद्ध आश्रम और जेल हिंदुस्तान में हो ही ना। अगर वृद्ध आश्रम जीरो हो जाए, जेल जीरो हो जाए, तो हमें इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हम सबका, आज हमारे साथ प्रशासन में SDM साहब बैठे हैं, शासन में बलजीत मैडम बैठे हैं डॉक्टर साहब, और समाज में हम लोग बैठे हैं। अगर ये तीनों एक हो जाए तो कोई ताकत नहीं कि हिंदुस्तान जिस चरम सीमा पे जाना चाहेगा, जो सा गुरु बनना चाहेगा, जो सी महिला आगे बढ़ना चाहेगी उसे कोई रोक सकेगा। 160 NGO हिंदुस्तान में हमारे साथ कार्यरत हैं। वृद्ध आश्रम में 20-22 लोग, 25 लोग भी हो जाते हैं, कभी 30 भी हो जाते हैं, कभी 18 भी हो जाते हैं, कभी काउंसलिंग करके हम उन्हें भेज भी देते हैं। वृद्ध आश्रम का मतलब सिर्फ आप ये मत समझिए कि बहु बेटे ने घर से निकाल दिया तो वृद्ध आश्रम है, जी नहीं। बहु बेटा अगर नौकरी करने जाते हैं, घर की सुख शांति चाहते हैं और अपने परिवार के किसी सदस्य को उन्हें लगता है कि हम कहाँ छोड़ के जाएं, तो हमारे पास आए, हमारे पास छोड़ के जाएं, क्योंकि हमारे माँ बाप हमारी जिम्मेवारी है। माँ बाप आपके हों चाहे मेरे हों, सबकी जिम्मेवारी है, सबको संभालना, सबको देखना हमारा फर्ज है। क्योंकि कहा जाता है कि आज नहीं तो कल हम माँ बाप बने हुए, आज नहीं तो कल माँ बाप का प्यार मिलेगा, लेकिन कल माँ बाप ना होंगे तो हमें माँ बाप कहाँ से मिलेगा, हमें माँ बाप कहाँ से मिलेगा। सारे रिश्ते मिल जाते हैं, कोई भाई बन जाता है, कोई भाभी बन जाता है, कोई चाचा बन जाता है, जिंदगी में नहीं बनते तो दोबारा कोई माँ बाप नहीं बनते, माँ नहीं बनती बाप नहीं बनते। इन बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, हमारी संस्था के साथ जुड़िए और एक ही नारा हम तो सिर्फ कहते हैं, मुझको मिला एक सा जल जिस सागर को छलकाया, एक शक्ल देखी मैंने जो भी घूमकर छलकाया, गौतम गुरु नानक गांधी ने ऐसा पाठ पढ़ाया, मुझको लगा सभी अपने हैं नहीं कोई पराया। मैं भारत संतान किंतु मेरा घर सको जहान है, मेरा मजहब प्यार नाम केवल मेरा इंसान है, नाम केवल मेरा इंसान। अगर हम इंसान ही बने रहे इतना ही काफी है। तो आज दूसरा स्टेज में अपने संचालन को देती हूँ और उनसे कहती हूँ कि आगे की घोषणाएं मुझे सारी
ਕੀ ਬਣੂਗਾ।
Yeah!
मैडम रजीत कौर जी बैठे ने अभी उन्होंने नाल चल के जिथे भी थोड़ी जरूरत होगी अभी थोड़ा साथ देंगे थोड़े सारे का इतने आया बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु नानक सेवा दल तो सिमरन सोसायटी तो योगा सिंह भुल्लर जी सरबत का प्रलाप चैरिटेबल ट्रस्ट तो समाज सेवी मास्टर कुलवंत राय जी जिला प्रधान कुलजीत सिंह किन्ना जी पहुंचे ने असं उन्होंने भी एन जी ओ वालों जी आया आखते हाँ। हम मैं सरताज साहब बेनती करा कुलदीप कुमार दीप कंबोज जी के हाजरी के रूबरू हो गए कुलदीप कुमार दीप कंबोज जी सर प्लीज हाजरी के रूबरू होने पता लगे साढ़े सारे विशेष तौर पर पहुंचे पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर साढ़े वड्डे भैन डॉक्टर दलजीत कौर जी उन्होंने नाल हल्का होर इंचार्ज दीप कंबोज जी साढ़े आम आदमी पार्टी के लोक सभा इंचार्ज जशन जी अरुण वर्मा जी एस डी एम साहबा एस डी एम साहब वक् वक् महकमे तो अधिकारी साहबान और अज के इस खास प्रोग्राम आयोजन करने वाले डिग्निटी के सारे मैंबर साहबान मेरे सामने साढ़े बहुत ही सत्कारयोग बुजुर्ग साड़िया मातावान भैन साढ़े वीर छोटे बच्चे सारे नूं फतेह सांझी करदा वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ दिन पहला साढ़े भैन जी फाजिलका आए से और इन्होंने अपनी डिग्निटी टीम जो समाज समाज के विच अपने समाज के लोगों लिए समाज के लोगों के पढ़े लिए बहुत चंगा काम कर रहे हैं। जो इन्होंने आके दसिया कि असी अबोहर के विच एक वृद्ध आश्रम बना जा रहे हैं और तुसी उत्थे आना है अज यह समय की लोड़ क्यों बन चुकी है अज आप गल्ला करते हैं किते भी कोई भी इंसान आप ले लीए अपने कोल अज अपने मां बाप लिए समा नहीं है जेड़े मापिया ने अपन ਇਹ ਰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੀੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਲਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਕਈ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ
शलाघा योग मैं करना चाहता और साढ़े भैन जी उन्हें दस रहे थे अज वक्त की बहुत कमी है, कई बच्चे नौकरियां करन लग गए, बाहर रहन लग गए, उन्होंने उन्होंने मापे लिए भी औखा हो गया है, उन्होंने भी ये जो बिरध आश्रम है बहुत चंगा इतने रह के वो सारिया के मिलजुल सकते ने, सारिया के रह सकते ने, कोई उन्होंने इकलापन नहीं लगता इतने आके, और भी कई जगह साढ़े फाजिलका भी बिरध आश्रम बने ने, बहुत ही चंगा माहौल असी उम्मीद करते हैं इतने होगा। और आज पंजाब सरकार साडे कैबिनेट मिनिस्टर साडे वड्डे भैन डॉक्टर बलजीत करोड़ जी और समुची पंजाब सरकार साडे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई विच इस संस्था के नाल खड़ी है और जिन्हां होर भी संस्थावां ने जो समाज लई समाज के लोगों लई चंगे काम कर रहियां ने उन्हां सारियां दे नाल ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਜੋ ਚਲਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਘਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਲਚਰ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਕਿੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਓ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਡੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੁਮੈਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
ਡਿਗਨਿਟੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੰਗਾ ਜੀ, ਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਡਿਗਨਿਟੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੁਮੈਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੱਤਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੱਥ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਮੁਕਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਸਾਥ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਡਮ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੁਮੈਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲੋਂ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਦਲਿਆ ਪਿਛਲੇ 20 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ NRIs ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਆਣਪ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਣਗੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ
बजुर्गों का साडा एड्डा वड्डा समाज की देन है बजुर्गों की साडे सारी जिंदगी का निचोड़ उन्होंने को होंगे तजर्बे उन्होंने को होंगे भी उन्होंने बजुर्गों असं लांबे कर दीए या अणगौले कर दीए। सो मैं योजना संस्थावान जड़िया बजुर्गों लिए आसले बच्चों औरतों काम कर दया ने मैं कहंगी कि सरकार हमेशा उन्होंने नाल खड़ी है। वैसे भी आम आदमी पार्टी की सरकार है तो असं कहने कि प्रो पीपल है, जो लोग कहे असी उ सुनेंगे असी अपन नीतियां जड़िया खोसागे नहीं उन्होंने। सो लोग चाहते हैं कि तुम योजे काम करो तो जे योजना समाज सेवी संस्थावान साढ़े अगर आदियां ने जड़ी कहदियां कि असी समाज के योजे लोगों की बांह फड़ांगे जेडे समाज के अणगौले महसूस कर रहे हैं तो सरकार उन्होंने नाल खड़ी है। मैं मैडम को भी विश्वास दवानी हाँ कि इन फ्यूचर थोड़ा किसी भी तरह की साढ़े लोड़ पैंदी है सरकार की किसी तरह के फंड्स की लोड़ पैंदी है जब इन होर वधिया डिवेलप करांगे तो असं थोड़े नाल खड़े। सो आप शुरुआत जी गिरत आश्रम की कर जा रहे हैं इनू इतों तक ही सीमित नहीं रखना कि असी बजुर्गों को रोटी पानी देकर जाओ सिर्फ जीवन का एक आसरा देना असी उन्हों तो सीखांगे भी असी उन्होंने जोड़े उन्होंने स्किल्स है वो अगों होर बच्चों भी देने की कोशिश करांगे। सो बिरत आश्रम आप सिर्फ एक धारना समझिए जिदे कुछ लोगों बंद कर दिता जाता कि उस तो बाद उन्होंने जी सोसाइटी नो एकदम टुट जाते हैं। असी बजुर्गों के निचोड़ असी बजुर्गों के तजर्बे लोगों तक लैके जावे योजना संस्थावान के जरिए। सो एक बार फिर मैं इस संस्था को बहुत बहुत मुबारकबाद दिनी हाँ तो बार बार आती रहांगी देखांगी भी किस तरह तुम चला रहे हो। उस तो बाद जो वुमेन एम्पावरमेंट की गल करिए इतों दिया बच्चिया ने उन्होंने भी असं सक्षम करने पूरी एफर्ट्स करा साढ़े को प्रपोजल लेके आओ असी उन्होंने सिरे चढ़ा यह साड़ी जिम्मेवारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत वड्डी गल है। हुण भी जदों अपने हल्के जांदे ने ते जिथे बतौर मंत्री बतौर एमएलए विच जांदे ने नाल दी नाल जे कोई बुजुर्ग होना